पटना में हुए जलजमाव को लेकर राजनीति अब राष्ट्रीय स्तर की हो गई है। जलजमाव पीड़ितों के समर्थन में नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर भी सामने आ गई है। मेधा पाटकर ने आज पीड़ितों के धरने में शामिल हुई सैदपुर नाले का जायजा लिया। वहीं राज्य सरकार और नगर निगम को दोषी बताया। वहीं मेधा पाटकर ने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर पीड़ितों की आवाज नीतीश कुमार नहीं सुन पा रहे हैं तो उन्हें समाजवादी कहलाने का कोई हक नहीं है। पर खड़े हैं और जो पटना पूरा डूबा क्योंकि नर्मदा में भी उसी समय डूब थी, वो बड़े बांधों से, इसलिए मैं तो उसमें डूबी रही कार्य में। पर आज ये देख रहे हैं कि गरीब बस्तियों को दोष दिया जा रहा है जबकि नालों की सफाई, नालों का रखरखाव, उसका पुनर्निर्माण, नमामि गंगे के तहत आए हुए पैसे का सही उपयोग, नगर निगम की जिम्मेदारी का पूरा एहसास, ये सब तो कहीं नहीं दिख रहे लोगों को। और ऐसी स्थिति में नुकसान भरपाई और हानि पूर्ति देने के बदले अगर गरीबों को उजाड़ा जाए तो नीतीश कुमार जी को समाजवादी नहीं कहा जाएगा।